गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में लाडली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे और कहा कांग्रेस जो कहती है उसे कभी नहीं करती, ये बरसाती मेंढक अब चुनाव के वक्त फिर आ जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपनी विधानसभा क्षेत्र दतिया में लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होकर पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। मिश्रा ने ग्राम बड़ौन कला में कहा प्रदेश सरकार ने बहनों के खाते में भी एक रुपया डाला है जो कमांड स्वरूप है, शेष बकाया राशि बहनों को 10 तारीख को मिलेगी। इस योजना के प्रति बहनों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा कोई वादा नहीं किया गया था जबकि पहले ही बहनों के खाते में 1000 रुपये डाले जा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनका काम सिर्फ जनता के लिए चल रही जनमुखी योजना को बंद करवाना है। उन्होंने कहा अब ये बरसाती मेंढक क्षेत्र में भटकने लगेंगे और तमाम तरीकों के प्रलोभन देंगे, इसलिए जनता इनसे सावधान हो जाए। तो फिर धोखे में आ जाएंगे का? अपन जाजबा चुके काट की हाड़ी ये कई बार चलते जानी मारी टीट में फिर चले हंस की चाल वे आगे जो नहीं कहेंगे कि सरकार बनाए हुआ बने हुआ ये कांग्रेस तो देखा देखा जाओ तो कह दियो तुमने बनी बनाई नहीं चल रही ये बना कैसे ले रहे थे तुम बराबर के कहा पर मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।